Good morning, students. So, welcome to this class. As you know that we already started on this chapter, chapter 6 of Civics, Political Parties. But before starting the today's topic, we will just remind or recapitulate the previous class. So, first of all, we should have a question to ask ourselves. Why do we need a political party? सबसे पहले अगर हमें इस चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले अपने माइंड में सभी बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है. अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो क्या ऐसा कर रही हैं दैट दे रिक्वायर्ड इन एनी कंट्री, एंड इफ दे आर नॉट देयर, इमेजिन द सिचुएशन इज ऑल्सो देयर कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो क्या कंडीशन. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कि व्हाई डू वी रिक्वायर पॉलिटिकल पार्टीज. So, we will just talk about India. India is a democratic country. And most of the people that think that political parties, the all the politics, that is all the democracy that revolve around the political party. But what is the truth is that, sachai kya hai? Ki political parties ki charo taraf democracy nahi hai. Democracy hai to political party. This is the first feature of democracy. That political party they existed in a democratic country, true democratic country. Now the next question is that ki political party ki zarurat kya hai, why do we need political party. Just think about that situation is if the political party is not existed in any nation, then we can get the answer ki hume political party ki kya zarurat. मान लेते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो क्या होगा. आपको मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टी इट इज जस्ट कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, डिफरेंट मेंबर्स आर देयर. इनका जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जस्ट वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ बीजेपी, दे हैव देयर ऑल द वी कैन से ऑफिसेज ब्रांचेज इन ऑल द रीजन्स. डिफरेंट इनके लिंक्स होते हैं, हर रीजन में होती हैं ये. तभी तो मैंने आपको कहा कि जब भी इलेक्शन होता है तो ये अपने सीट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि वहां पर उस रीजन में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उस हिसाब से वो अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको पुटअप करते हैं और उस हिसाब से क्या होता है वो कंटेस्ट करते हैं. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, अगर ऐसा ना हो, डिफरेंट इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे, इफ इंडिविजुअल मेंबर्स आर देयर दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन इंडिविजुअली. Who will be responsible for the people? Just feel like that, just imagine like that कि मैंने राजस्थान से चुनाव लड़ा और राजस्थान से मैंने चुनाव जीत लिया, ठीक है, उस स्टेट से चुनाव जीत लिया. तो अब उस स्टेट को भी, ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली उस स्टेट का चुनाव, एक स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, उसके डिफरेंट सीट्स होती हैं. मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हुआ और मैंने उस चुनाव को जीत लिया, so I will be more responsible towards my constituencies rather than the country or nation. So मैं अपनी constituencies की तो जिम्मेवारी लूंगी, लेकिन अपनी nation की क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि मैं एक particular area से ही चुनाव जीता है मैंने और मेरे कोई दूसरी political parties के साथ link नहीं है, मैं individual. जो इंडिविजुअल होगा तो वो केवल अपना इंडिविजुअलिज्म को ध्यान रखेगा और उस कंफाइंड एरिया के लिए ही वर्क करेगा, ना कि पूरी कंट्री के लिए करेगा. कौन जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, लोगों के लिए कौन जो है आंसरेबल होगा, कौन जो है पॉलिसीज बनाएगा. जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ये कि अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है और उनके मेंबर्स जो है वो इंडिविजुअल तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे देश की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजिटिमेसी किसके ऊपर आए. तो वी कैन ऑल्सो इमेजिन दिस कि एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये भी आता है कि उस समय की बात है जब कांग्रेस आ रहा था, वन पार्टी सिस्टम था इंडिया के अंदर, उस समय सारी की सारी एक्टिविटीज जो है उस पार्टी के अंडर उसी में होती थी. ऑल द मेंबर्स दे वर पार्ट ऑफ दिस कांग्रेस. बट एट दैट सिचुएशन की सर्कमस्टेंसेस हमारी ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि ओनली वन पार्टी वॉज देयर. बट ग्रेजुअली विद द कोर्स ऑफ टाइम द रिक्वायरमेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डाइवर्स कंडीशन ऑफ इंडिया
later some new parties were also introduced. And the question is once again here that one party system was there still. क्यों उस समय हम आजाद नहीं थे? क्या उस समय हमारे पास हमारे किसी कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को क्या देश की डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम पॉलिसीज बनाने का, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अधिकार था? नहीं था, क्योंकि ये सारा का सारा जो यो कहा जाए किसके अंडर कंट्रोल था? ब्रिटिश। तो उस समय वन पार्टी सिस्टम से भी काम चल रहा था, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, दैट the leaders can they fight or raise their voice against the injustice they suffered that time. But later we got independence. After that we attaining the independence because of the, you know, that the people's aspiration to fulfill the people's aspiration and goals, so many these political parties they come up. So here the question arises ki 100 saal pehle jab a political party ka era nahi tha, उस समय भी देश चलता था, लेकिन इसकी क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है, हम कंपैरिजन से समझते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन वी कम टू नो दैट कि पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय दीज पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमारा क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी, एज वी नो दैट पॉलिटिकल पार्टीज दे फॉर्मुलेटेड लॉज। कानून कैसे बनता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज कानून बनाती नहीं। होता क्या है कि कोई भी लॉ जो बनना होता है उससे पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। उन मेंबर्स में क्या होता है, ये डिस्कशन होता है, है ना, डिबेट्स होती है, उसके बाद जो बेस्ट होता है फॉर द पीपल वो लॉ बनता है। तो मेकिंग ऑफ लॉ किसके हाथ में आया? पॉलिटिकल पार्टीज के। प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट आर गुड फॉर द पीपल, व्हाट आर वेलफेयर ऑफ द पीपल, दीज पॉलिसीज आर ऑल्सो फॉर्मुलेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टी। दे ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ ऑपोजिशन। Whenever the elections are there, the different parties, they contested the election, and sometimes the some are losers, some are the winner in this, that the who loses the election, they become the opposition party, and they also play a very prominent role in this. Opposition is also very necessary or required in any democratic country, because these opposition parties sometimes they criticize the policies and programs which are formulated by the running government. Through this they check the parts and parts of these running governments, ताकि वो arbitrary ना हो जाए, ऐसा ना हो कि उनमें tyranny आ जाए, ऐसा ना हो कि वो अपनी democracy को भूल जाए। इन सब चीजों के लिए क्या जरूरी है? Political party. पॉलिटिकल पार्टी दे ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन क्या है? एक इलेक्शन को लड़ने के लिए कहते हैं एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? दे जस्ट पुट देयर कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग, देखो सबसे पहले क्या होता है, एक स्टेट होता है, एक राज्य होता है, उस स्टेट को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजन में डिवाइड करते हैं। उन डिफरेंट रीजन में ज्योग्राफिकली और पॉपुलेशन वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीटों का कितनी सीट होंगी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो डिसाइड होता है, और उसके बाद ये जो पार्टीज होती हैं ये अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको नॉमिनेट करती हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो अब बताइए ये टास्क किसका रहा? पॉलिटिकल पार्टीज का। So number of these functions are making of law, है ना? और सबसे जरूरी चीज क्या है? These political parties they must be very attentive to the needs of the people. क्योंकि ये सरकार जो बना रही है वो जनता बना रही है, हम लोग बना रहे हैं। तो political parties की duty क्या बनती है? कि हमारी necessities जो है, हमारी जो requirement है उसके लिए वो attentive रहे, बहुत ज्यादा aware रहे, क्योंकि उन्हें, और सबसे बड़ी बात है कि वो रहते भी। उसका रीजन क्या है कि एक बार आपने गवर्नमेंट को चुन लिया तो ऐसी सरकार आप दूसरी बार चुनेंगे क्या जो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हमारे लिए वेलफेयर प्रोग्राम
हमारी बात को सुन नहीं रही है, ऐसी सिचुएशन में उस पार्टी को हम अगली बार वोट नहीं करेंगे, है ना। तो सिचुएशन ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी दे हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन ऑल दीस कंडीशन। इट इज अनदर वे वी कैन से कि हमारा इतना पॉलिटिकल पार्टी जो कहा जाए कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल एंड वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इन स्पाइट ऑफ दैट वी डोंट हैव फेथ, फुली फेथ ऑन दीस पॉलिटिकल पार्टी। But without these political parties, we cannot imagine the country's democracy or politics. विश्वास नहीं करते हम political parties पर, क्योंकि हमें मालूम है हम क्या बोलते हैं कि dirty politics खेलते हैं। उसके बावजूद भी ये political parties, these are the integral part of our society, क्योंकि समाज के लोगों से ही ये political party बनी है और यही political parties जो है वही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। एक देश की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो उस सरकार को चलाना भी पॉलिटिकल पार्टी। तो समटाइम्स दीज पॉलिटिकल पार्टी दे सपोर्ट, दे रिफ्यूज, समटाइम्स दे क्रिटिसाइज। तो हर तरह की पार्टीज जो है दीज आर वेरी वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शन। सो इन दिस वे वी कम टू नो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। After that, we will also discuss that कि हमें political parties की function से clear हो रहा है कि हमें political parties की जरूरत क्यों है। इसके बाद भी हम थोड़ी चीजें और discuss करेंगे कि political parties की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि individual रहकर कोई candidate है तो वो पूरी country की जिम्मेदारी नहीं लेगा। आज मुझे एक बात बताइए कि जो central government है वो पूरी country की responsibility लेती है या नहीं लेती। अगर कोई इंटरनली डिस्टर्बेंस है, कोई आउटर अटैक है, कोई भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, हु हैंडल ऑल दीज? सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज दैट गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ही चूज आवर गवर्नमेंट। हमने वो सरकार बनाई है, हमने उस सरकार को चुना है, इसलिए वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बिकॉज द गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट, सो इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल। मतलब लोगों की जिम्मेदारी लेना, लोगों को आंसरेबल होना, ये किसके पास, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? गवर्नमेंट। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस वी रिक्वायर पॉलिटिकल पार्टी। इन स्पाइट ऑफ दैट वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन, वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एज आई टोल्ड यू दैट इफ इंडिविजुअल कैंडिडेट दे just contest election individually, no link through the political party. देखो एक political party होती है, उसमें बहुत सारे members होते हैं, एक leader होता है, lead करता है उस party को, और बहुत सारे member होते हैं, ठीक है। कुछ members ऐसे होते हैं जो हमेशा सब लोग जानते हैं, कुछ members ऐसे होते हैं केवल registered होते हैं, तो हम discuss करेंगे इस चीज को। तो उस political party के members जो हैं वो एक party की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए, एक party की वजह। अगर ये पार्टी नहीं है तो सब अलग अलग होंगे, किसी को किसी से मतलब नहीं होगा, हर कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेगा, कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं बनेगा, कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं आएगा, तो वो देश कैसा होगा? जस्ट मैं क्या वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, या वहां कैओस होगा, या वहां पर क्या होगा? एट इन ऑल सिचुएशन वी रिक्वायर दी पॉलिटिकल पार्टी। जस्ट थिंक अबाउट इंडिया, इंडिया इज अ वेरी लार्ज populated country, big society is there, and the society's aspiration and goal, who will represent? Who will represent all these the requirement of the society, people, people's requirement, who will represent? कौन होगा? कहते हैं ना कि फैमिली के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको कहीं बुलाया गया है तो आप पूरी फैमिली वहां जाएं। समटाइम कि आपके घर से जो भी एक दो जने जाते हैं तो वो अपनी फैमिली को, आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंडिया जैसी लार्ज सोसाइटी है, उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? रिप्रेजेंटेशन करेगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? इन द सिस्टम वेयर थ्रू द इलेक्शन दे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे कंटेस्ट द इलेक्शन, पीपल कास्ट द वोट एंड अटेनिंग द मेजोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, दे विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट।
and run the nation. This is called the representative democracy. जहाँ हम सरकार को चुनते हैं, वो सरकार किसको represent कर रही है? हम सबको, हमारी आवश्यकताओं को, सोसाइटी की क्या aspirations है, सोसाइटी क्या चाहती है, समाज कैसा होना चाहिए, समाज के अंदर कंफ्लिक्ट ना हो, assurance हो, सबको जो है डाइवर्स नेशन है, डाइवर्स कंट्री, इन स्पाइट ऑफ दैट कि डिफरेंट रीजन्स में लोग रह रहे हैं, उनको सबको एश्योरेंस मिले कि वो रह सकते हैं, डिफरेंट राइट्स आर गिवन टू देम. सो इन दिस वे वी कम टू नो दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दे लिंक द डिफरेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी टुगेदर. So in this way we come to know that why this political party is necessary. This political party that create the situation where the representative democracy is possible. So this representative democracy is responsible towards whom people. अगर शायद पॉलिटिकल पार्टी ना होती तो डेमोक्रेसी ना होती, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ना होती तो शायद ये पॉलिटिकल पार्टी ना होती. पहली बात ये, तो हो सकता है वो कंट्री कैसी होती, शायद वहां पर मोनार्की होती या डिक्टेटरशिप होता, है ना. अब ये बात हम तय करेंगे कि एक कंट्री में कितनी पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि ये बात हमें समझ में आ गई है कि एक सोसाइटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी जरूरी है. डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट इश्यूज हैं, डिफरेंट आइडियाज हैं, उन सबको हैंडल करने के लिए एक एजेंसी चाहिए. वो एजेंसी क्या है? वो एजेंसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके थ्रू वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनती है. वो एजेंसी सारी चीजों को हैंडल करती है, वो एजेंसी जो है वो आंसरेबल. दैट्स व्हाई वी कम टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. आई एम सेइंग डेमोक्रेटिक कंट्री. इफ यू रेड द फर्स्ट चैप्टर इन 9th क्लास, आई थिंक इट इज नॉट इन सिलेबस, बट इन दैट चैप्टर ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर इन दैट की प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है और टू बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, कि जिनको केवल नाम मात्र के लिए हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या है, उसके हमने अलग अलग फीचर्स पढ़े. हमें सबसे पहले अगर पता लगाना है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या कोई कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है तो उसके फीचर्स क्या है. बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी नो ऑल द फीचर्स. जो फीचर्स हमारे देश में हैं, जो हमारे सिस्टम में हैं, वो फीचर्स दूसरे सिस्टम में नहीं होंगे, वो नॉन डेमोक्रेटिक है. जहां पर हम लोग सरकार को चुन रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक में लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है. अपनी अपनी जो यूं कहा जाए कि देश को चलाने के लिए जो अथॉरिटी है उसको चुनने का अधिकार, कोई डिसीजन में आप तो उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता. जहां पर हमारा हम लोगों का पार्टिसिपेशन पूरी तरह से होता है इनडायरेक्टली थ्रू द रेप्रेजेंटेटिव. These representatives, they represent us in parliament. हमने चुना है तभी वो वहां तक पहुंचे. So through all these facts, we come to know that why do we need political parties? कि हमें political parties की जरूरत है. अब हमारा जो next question आ रहा है कि how many parties should we have? कितनी parties होनी चाहिए? How many parties should be have. अब ये question है, अब इस question का answer जो है अभी नहीं मिल सकता. इसका reason है कि पहले हम चीजों को discuss करेंगे, तब आप खुद conclusion पे आएंगे कि एक देश में कितनी parties होनी चाहिए. चलिए discuss करते हैं इसको. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 types of system political parties are in our country, not only in our country but in the world. 1 party system, 2 party system and multi party. According to the name, one party means one party is there. And the very good example of one party system is Communist Party in China. There are in 8 another minor parties that are registered. 8 minor parties aur bhi hai waha, but only one Communist Party, they always win the election and form the government in China. What is the reason behind it? Uska kya karan hai?
क्योंकि चाइना में जो है वहां पर एथनिक वेरिएशन नहीं है, बल वहां पर जो है जो कहा जाए कि एक ही तरह के लोगों का, जैसे कास्ट कह सकते हैं, लैंग्वेज पीपल है मोस्टली वही है, हांस है वहां पर, जो हांस जो लोग हैं वो मोस्टली वहां पर है। तो जो चाइना जो है वो कम्युनिज्म जो है उस आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। कम्युनिज्म क्या होता है, कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी कम्युनिज्म की, जिसमें जो सोशल इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उन पे लोगों के अधिकार की वो बात करते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इसलिए वहां पर वन पार्टी सिस्टम है, वन गवर्नमेंट हैंडल ऑल द कंडीशन एंड सिचुएशन एंड द रिसोर्सेज विच आर प्रसिस्टेड विच आर एग्जिस्टेड देयर इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पार्टी। अब आठ जो रजिस्टर्ड पार्टी है उनका क्या रोल है, आठ रजिस्टर्ड पार्टी का रोल यही है कि अगर कोई कोई कंटेस्टेंट कोई ऐसा कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए उससे परमिशन लेनी होगी, उसके लिए वो जो एट जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं उनसे और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब एक प्रोसेस है वहां का। क्या आप इसे डेमोक्रेटिकली गुड कहेंगे, क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है, नहीं है, लोगों के पास चॉइस नहीं। जब जैसे ही मैंने कहा लोगों के पास चॉइस नहीं है तो हमें डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है उनका सिस्टम समझ में आ गया। इंडिया में लोगों के पास चॉइस है, हमारे को पता है कि डिफरेंट पार्टीज आर देयर, डिफरेंट कैंडिडेट्स आर, किसको चुनना है कार चुन, बट इन चाइना नो चॉइस इज देयर फॉर पीपल, दे हैव टू कास्ट इन फेवर ऑफ दैट बिग पार्टी, उनको देना ही पड़ेगा, ये चाइना का सिस्टम है, वहां का सिस्टम है। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड द ऑप्शन टू द पीपल कि वो अपनी चॉइसेस बता सकते। और मैंने इसके पीछे रीजन बताया कि हाँ वन पार्टी सिस्टम क्यों है। बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम की, जहां से नाम से ही पता चल रहा है, तो आप ये मत सोचना कि केवल दो ही पार्टी होगी। Two parties that I'm talking about means big parties are two parties. Major parties जिसको कहते हैं, major parties are only two parties are there. Some another parties are also they exist sometimes leader. बहुत सारी दूसरी parties भी होती हैं, लेकिन होता क्या है कि जो है वो major party नहीं होती, उनके members से ज़्यादा नहीं होते, उनका ये कहा जाए कि पूरी सब तरफ उनकी branches भी नहीं होती हैं, तो ये major जो parties हैं इनके chances होते हैं winning होते। दोनों के बीच में ज्यादातर कॉम्पिटिशन रहता है, जैसे यूके और यूएस का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें यूके में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी है मेजर टू पार्टीज हैं, और अपने यूएस में है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए हुआ है, तो वहां पर क्या है कि वहाँ सिस्टम क्या है, वहाँ लीडर्स और वहां पर सपोर्टर्स जो होते हैं ना वो उसको चुनते हैं, ठीक है। सपोर्टर्स जो होते हैं यूएस के अंदर सिस्टम क्या है, जो सपोर्टर्स हैं उस पार्टी के उस कैंडिडेट को चुनते हैं कि दे विल कंटेस्ट द इलेक्शन। लेकिन इंडिया में क्या है, मेजर लीडर्स दे चूज द कैंडिडेट, हमारे यहाँ पर हम लीडर जो है वो चुनते हैं, चाहे आप और मैं उस पार्टी के पक्ष में, हम नहीं चुन सकते कि ये चुनाव लड़े, हु विल डिसाइड, दीज आर टू बाय द मेजर लीडर। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर। अब क्वेश्चन वापस ये आता है कि जहां पर टू पार्टी सिस्टम है क्या वो डेमोक्रेटिक है, क्या वो लोगों को चॉइस दे रहा है, हु विल गिव मी आंसर, रेज योर हैंड। यूएस जहां और यूके की बात कर रहे हैं, जहां टू पार्टी सिस्टम है एंड अनदर पार्टी सिस्टम और पार्टीज आर ऑल्सो एग्जिस्टेड समटाइम्सली, क्या वो डेमोक्रेटिकली लोगों को चॉइसेस दे सक रहे हैं या नहीं, ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड। ट्राई टू गिव आंसर। यस मोनिश, यू वांट टू ट्राई? मैम प्लीज फर्स्ट रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट कि यूएस और यूके में दो पार्टी है, ठीक है, और अनदर पार्टीज और माइनर पार्टीज आर आल्सो देयर,
क्या ये डेमोक्रेटिकली लोगों को चॉइसेस दे रहा है, ये डेमोक्रेटिक है या नहीं? डेमोक्रेटिक तो है क्योंकि पार्टी सिस्टम भी है और लोगों को वोट करने का और अपनी पार्टी चूज करने का ठीक है, बिल्कुल मौका दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके, वेरी गुड, एक्सेप्टेड। तो आंसर इज करेक्ट हियर कि यहाँ पर चाहे टू पार्टी सिस्टम है लेकिन लोगों को चॉइस तो मिल रही है, वहां पर तो वन पार्टी सिस्टम था जहाँ लोगों के पास चॉइस ही नहीं थी, यहाँ तो टू पार्टी सिस्टम था, माइनर पार्टीज आर ऑल्सो देयर, तो यहाँ पर लोगों के पास चॉइस है कि हमें किसको वोट करना चाहिए। तो समटाइम्स यू सी दैट डेमोक्रेटिक जो है वो है और कभी कभी रिपब्लिकन जो है सिस्टम से आती है गवर्नमेंट, वहां यूके में भी यही सिस्टम है कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी का। तो इन दिस वे वी कम टू नो दैट टू पार्टी सिस्टम इट इज ऑल्सो गुड बट इट इज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द ज्योग्राफिकल एंड वी कैन से सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री कि वहां पर कैसा उनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या रहा है, क्यों वहां पर टू पार्टी सिस्टम है, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। थर्ड हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम जो कि इंडिया के अलावा श्रीलंका है ना, बहुत सारी नीदरलैंड है, बहुत सारी लिस्ट है कंट्रीज की जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम आई थिंक इट इज द बेस्ट, लेकिन बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, इट इज नॉट इन योर इन दिस टेक्स्ट ऑल्सो, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा पार्टी सिस्टम डिपेंड्स अपॉन सम अनदर फैक्टर्स ऑल्सो देयर। अब चाइना में वन पार्टी सिस्टम है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो तो बिल्कुल बेकार है, बुरा है, वहाँ का सिस्टम इसलिए वहाँ पर ऐसा है क्योंकि वहाँ की डाइवर्सिटी, यूँ कहा जाए वहाँ इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ होमोजेनस ज्यादा है सारी चीज़ों का उसके रीजन से, ठीक है। लेकिन हम डेमोक्रेटिकली सोचते हैं तो ये चीज सोचते हैं कि लोगों के पास तो चॉइस ही नहीं है और उस आधार पर उनको वोट करना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में नाम से ही पता चलता दीज डिफरेंट पार्टीज, देखो मल्टी पार्टी सिस्टम में भी नेशनल पार्टीज होती है, रीजनल पार्टीज होती है। नेशनल पार्टी सेवन पार्टीज इंडिया में है और रीजनल पार्टीज हर रीजन में दो तीन आपको पार्टीज मिल जाए, रीजन मीन स्टेट पार्टी। तो इन दिस वी कम टू नो दैट दीज मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया दे कंटेस्ट द इलेक्शन एंड द पीपल हैव so many choices to cast their vote in any in favor of any candidate or any party. हम किसी को भी अपना वोट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस कि हमें लगता है कि उनका एजेंडा बेस्ट था, उनकी उनमें ऐसा लग रहा था कि वो शायद ऑनेस्टली वर्क करेंगे या लोगों के लिए उनका जो ब्राउन ट्रोडन पीपल है उनके लिए उन्होंने एजेंडा बनाया, ऑल दीज एस्पेक्ट्स डिसाइड दैट कि हम किसको वोट करें। तो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर देखो अगर इंडिया की अभी हम टू टाइम्स जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी उसकी बात करते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम इज दैट कि वहां पर डिफरेंट पार्टीज ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, ठीक है। उसमें हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस भी थी, ठीक है, शिवसेना भी थी, बीजेपी कांग्रेस इन सब पार्टीज ने, जनता दल सब पार्टीज ने क्या किया जो है कंटेस्ट किया डिफरेंट कैंडिडेट्स से। लेकिन हम दो बार से बीजेपी को ही वोट ज्यादा, मेजोरिटी पार्टी जिसको कहते हैं, कि दो बार से बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार बना पा रही है, ऐसा क्यों, उसका क्या रीजन? उसका रीजन एक ही है कि उस मेजर पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, लोगों ने अपना विश्वास दिखाया, एक बार पांच साल की ये सरकार आई दूसरी बार फिर और पूरी तरह से खुद से ही कंप्लीटली मेजोरिटी प्रूव की उस पार्टी। इन द सेंस वी कम टू नो कि पीपल किस पे बिलीव करती है किस पे नहीं करती है थ्रू दे कास्टिंग देयर वोट दे डिक्लेयर। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे दो बार से एक ही गवर्नमेंट आ रही है तो हम कहते हैं हमारी कंट्री जो डेमोक्रेटिक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। हमारे पूरा का पूरा जो यू राइट है फॉर चूजिंग द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इट इज इन हैंड ऑफ पीपल। पांच साल तक तो सुनने के बाद हमारे पास अधिकार नहीं है, लेकिन उससे पांच साल कंप्लीट होते ही फाइव आफ्टर द कंप्लीटिंग फाइव इयर्स वी हैव वंस अगेन द पावर टू चूज द न्यू गवर्नमेंट। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में एक बात और, देखो लोगों के पास चॉइसेस होती है चुनने की,
बहुत वैरायटी होती है कैंडिडेट्स होते हैं उनको चुनने का ये सब। सेकंड थिंग, अगर मेजोरिटी पार्टी आती है तो वो अकेली सरकार बना, और अकेली सरकार बनाने के फायदे भी बहुत सारे, बहुत सारे फायदे। उस जो एक मेजोरिटी पार्टी जो अकेली सरकार बनाती है उसकी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर की पोजीशन बिल्कुल अलग होती है, वो ज्यादा पावर को एंजॉय, बजाय इसके कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कि आप दो या तीन पार्टी को थोड़े थोड़े वोट मिले। आप मुझे एक बात बताइए, आई थिंक यू हियर अबाउट द कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जिसको हम कहते हैं गठबंधन सरकार, जिसमें छोटी छोटी पार्टीज आती हैं। किस सिचुएशन में आती है, जब एक मेजोरिटी पार्टी को वोट नहीं मिलता। मेजोरिटी पार्टी, आप यदि क्लियर कर लो मेजोरिटी पार्टी मीन्स क्या है। हमने मान लिया 545, ये लोकसभा की सीटों का आंकड़ा है, इसमें से एक मेजोरिटी पार्टी को कितने वोट चाहिए, 272+1। अगर एक सिंगल पार्टी इस चीज को प्रूव करती है तो मेजोरिटी, यानी दो सालों से प्रूव हो रही है, मतलब दो सालों से नहीं, दो जो टेन्योर हुए हैं। लेकिन इन दैट कंडीशन, उससे पहले हमने सुना है यूपीए एनडीए और फ्रंट इंडिया में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए कांग्रेस की अलायंस बनी थी, एनडीए बीजेपी की अलायंस। यूपीए में कांग्रेस के साथ सम स्मॉलर पार्टीज आकर उन्होंने सरकार बनाई, और एनडीए जब कोएलिशन गवर्नमेंट आई तो बीजेपी एक मेजर पार्टी थी उसके साथ में, और छोटी पार्टीज ने आकर उसके साथ गवर्नमेंट बनाई। और फ्रंट क्या होता है, जिनके कुछ कैंडिडेट के अपने ओपिनियन, मतलब उनके जो मेंबर होते हैं उनके ओपिनियन अलग होते हैं, आइडियाज अलग होते हैं, उनसे नहीं मैच, तो वे अलग गवर्नमेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी। तो लेफ्ट फ्रंट राइट फ्रंट इस तरह से होता है, लेफ्ट फ्रंट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम होने के क्या फायदा हुआ, कि हमने कोएलिशन गवर्नमेंट का भी केस देख लिया कि अगर कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तो उसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, और अगर है तो उसके क्या मेरिट्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि विच सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम फॉर एनी नेशन। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सम अनदर फैक्टर्स ऑल्सो। वट आर दीज फैक्टर्स? Evolution of the political system in a nation, in a country. Evolution of political system, like we can say that India में क्या evolution हुआ कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, इतने साल उन्होंने यहाँ होकर हमको control किया, उसके बाद जो हमारा political phenomena आया, जो politics आई, जो हमने एक राजनीति system को अपनाया, वो different था, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है, जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, ठीक है, वहां यहाँ की सोसाइटी का आस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, लोगों की आइडिया, सोच, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम को एडॉप्ट करने। तो मैंने आपको कहा था कि कितनी पार्टीज अच्छी है, मतलब हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, और मेजर पार्टी इज गुड फॉर ए डेमो, कितनी मेजर पार्टी इज आर गुड फॉर इट, और वी कैन से विच सिस्टम इज द गुड फॉर एनी कंट्री, कौन सा सिस्टम है, तो कोई सिस्टम नहीं, नो सिस्टम इज गुड फॉर एनी नेशन, बिकॉज कोई पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन अनदर सेवरल फैक्टर्स ऑल्सो। इन द लास्ट वी कैन से दैट ओवरऑल वी कम टू नो दैट पॉलिटिकल पार्टीज दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर गिविंग द एश्योरेंस, for fulfilling the aspiration and goals of the people, and we can say to just give the political phenomena or political structure, it is only given through by the political party. In spite of that, we sometimes so many allegations are there, हमारे देश में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, देखो हमने इस सरकार को चुना था, हमने इस पार्टी को वोट दिया था, कांग्रेस ऐसा जब थी, कितने साल तक कांग्रेस ही कांग्रेस आती थी, आप मुझे बताइए। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन आ गया, डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब कि आपने देखा इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वही डायनेस्टिक सक्सेशन चल रहा। तो समटाइम दिस थिंग्स वी आल्सो सी दैट। तो लेकिन हमने क्या देखा कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, और लोगों की अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एस्पायरेशन, सोच, लोगों की जरूरतें, डेवलपमेंट, सारी चीजें फैक्टर्स काम करती है, लोगों ने अपनी चॉइसेस बदली। जो एक स्टैग्नेंट हो गया था, जिसको कांग्रेस कह रहा था, उस
वो खत्म होकर कोएलिशन गवर्नमेंट भी आई और फिर वन पार्टी गवर्नमेंट भी आया, मेजोरिटी पार्टी। तो आज ये टॉपिक यहीं पर आपको ओवर होता है, और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो आप 2-3 मिनट में आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, एनीबॉडी? चलिए एक होमवर्क दे रही हूँ आप सबको। होमवर्क ये है कि यू हैव टू जस्ट लिस्ट द कंट्रीज वेयर वन पार्टी टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम आर एग्जिस्टेड इन वांटेड बाय, आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, जीके क्वेश्चन है, आप उसको प्रिपेयर करिए। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने आपको दो क्वेश्चन तो मैंने ही आपको बता दिए, यूके और यूएस में कौन सी दो जो मेजर पार्टीज है वो मैंने आपको बताया। तो आज का आपका होमवर्क यही है, no question is there, nobody is asking now, so till then we will remaining the important and very interesting topic tomorrow we will discuss, and till then have a good day.